हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने फिजिक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस आज करते हैं हम रोटेशनल मोशंस क्लास 11th के लिए, जो कि एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से हैं ये। तो हमने पिछले कुछ दो वीडियोज में इसको शुरू किया था। तो हमारा अगला सवाल ये है कि फ्रॉम द यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ From a uniform disk of radius r, a circular hole of radius r by 2 is cut off. The center of hole is r by 2 from the center of the original disk. Locate the center of gravity of the resulting flat body. तो अब इसको आप ध्यान से समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना? आइए देखते हैं। कह रहा है कि कोई आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r है। इसके रेडियस r में से r by 2 रेडियस का एक हमने सर्किल काट के यहाँ से निकाल लिया, और बड़े वाले रेडियस का सेंटर O है, और छोटे वाले रेडियस जो बड़े वाला सर्कुलर डिस्क है उसका सेंटर O है, और छोटा वाला जो सर्कुलर डिस्क काट के हमने निकाला है उसका सेंटर क्यूब है और उसका रेडियस r by 2 है। उससे पहले हम क्या करते हैं कि टोटल का मास निकाल लेते हैं। तो आप अगर मास निकालना, मास डेंसिटी निकाल, सपोज करिए कि मास m है इसका टोटल का, ठीक है ना? तो मास पर यूनिट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यानी कि सरफेस एरिया डेंसिटी सिग्मा बराबर मतलब मास पर यूनिट एरिया। तो टोटल एरिया में से, टोटल मास में एरिया से डिवाइड कर दो तो पर यूनिट एरिया मास निकाल आएगा, ये सिग्मा आपका हो गया, यानी कि सरफेस एरिया डेंसिटी जिसको कहते हैं, यानी कि मास पर यूनिट एरिया, ठीक है ना? ये आपका निकल जाएगा। अब ये जो काट के निकाला है हमने, जिसका रेडियस r by 2 था, इसका भी हम निकाल लेते हैं मास। तो यूनिट एरिया का मास इतना है, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई r by 2 का स्क्वायर। तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए सिग्मा से, यानी कि m अपॉन पाई r स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर कट जाएगा और यहां से आ जाएगा m अपॉन 4, यानी कि m बराबर आ गया m अपॉन 4। अब चूंकि इतना हमने काट के निकाल दिया है, इसीलिए हम इसको माइनस, जब भी हम न्यूमेरिकल में इसको रखेंगे तो हम इसके मास को माइनस लेंगे, क्योंकि जब हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास में ये मास तो है नहीं, फिर हम निकाल रहे हैं, तो जब हम जहां भी m लिखेंगे वहां से इसको हम माइनस करेंगे, यानी कि जो छोटे वाले का मास है उसको हम माइनस m बाई 4 लिखेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए कि हम सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हैं इस सिस्टम का, तो उसमें ये वाला मास तो है नहीं, तो यानी कि इस वाले मास को इसीलिए हमने नेगेटिव से जोड़ करके रखा है, नेगेटिव के साथ इंडिकेट किया है, ठीक है ना? अब मान लीजिए कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं पॉइंट पर सी है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ पे है, हम अभी देखेंगे कि ये पॉइंट सी कहाँ जाएगा। तो मान लो कि ये पॉइंट सी यहाँ पर है, इस तरीके से है कि OC बराबर, वो क्या है, सेंटर ऑफ द बिगर सर्कुलर डिस्क, ये X है ना, और C क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो याद करिए कि R सेंटर ऑफ मास बराबर क्या होता था, M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यही होता था, याद है ना सबको? तो R सेंटर ऑफ मास निकालिए क्या होगा, तो R सेंटर ऑफ मास यानी कि X निकालने के लिए डिस्टेंस कहां से है, सेंटर O से है। अब इस डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव आएगा और इस डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव आएगा। हम देखते हैं कि x क्या आता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, m r1, r1 का मतलब पॉइंट O से O को ही लेना है ना, तो O इन O, m1 r1 प्लस m2 r2, तो m2 कितना है, माइनस m by 4, और r2 कितना है, तो r by 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, तो m1 कितना है, m है कैपिटल, और m2 कितना है, माइनस m बाय 4 है। तो देखिए ये तो हो गया जीरो, ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि O डिस्टेंस पूछा ही नहीं ना, और OQ आपको पता है कि r बाय 2 है, तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से आ जाएगा आपका माइनस m बाय 4। यहां से देखिए 4m में से m घटाएंगे, 3m बाय 4 आएगा, 4 कैंसिल आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा माइनस एम आर डिवाइडेड बाई, नीचे आपको मिलेगा
ये मिलेगा क्योंकि दो नीचे आएगा, आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, और 4 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से mm कैंसिल आउट हो गया, यानी कि -r/6। अब देख रहे हैं कि x बराबर क्या आ गया, नेगेटिव में आया, इसका मतलब है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट O के लेफ्ट साइड में कहीं लाई करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ये हमने सेंटर ऑफ मास बचे हुए मास का निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल हम कर लेते हैं यहीं पे। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन ये है कि द मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज। कोई मिस्टर मीटर स्टिक है, इसको नाइफ पे हमने रखा हुआ है, एक नाइफ एज है उस पे हमने इस स्टिक को रखा है, ठीक है ना। व्हेन टू पॉइंट्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम आर पुट ऑन द टॉप ऑफ द अदर एट द 12 सेंटीमीटर मार्क। तो हमने कहीं पे 12 सेंटीमीटर मार्क पर कहीं पे रखा पॉइंट, है ना, 12 सेंटीमीटर पे, तो 5 ग्राम का कॉइन का मास है एक का, तो 2 कॉइन हमने रख दिया। जब हम ऐसा करते हैं तो स्टिक बैलेंस में आ जाता है। अब कह रहा है कि इस तरीके से आप स्टिक का मास निकालिए कि स्टिक का मास कितना है। जब आप 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 कॉइन रखते हो 5 ग्राम का, तब ये बैलेंस में हो जाता है, ठीक है ना। आइए चलिए देखते हैं क्या मजाक क्या माजरा है। तो देखिए, सपोज करिए कि ए बी कोई स्टिक है और पॉइंट सी जो है वो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना। तो एम तो स्टिक का जो पॉइंट सी पर मास यहां पर लगेगा सेंटर ऑफ मास एम जी स्टिक के लिए, जहां एम क्या है स्टिक का मास है और जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ये फोर्स लगेगा स्टिक के ऊपर एम जी, ठीक है ना। अब स्टिक बैलेंस हो जाता है, एक मिनट हम यहां पर, आपको पता है कि 45 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो जाता है ना, यानी कि ये आपको 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपका पॉइंट सी यानी कि 50 सेंटीमीटर मार्क पर है, ठीक है, यहां से यहां 50 सेंटीमीटर है और यहां से यहां कितना है आपका 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए कॉइन को यहां रखा गया है। अब मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड अबाउट पॉइंट O, पॉइंट A के अबाउट बैलेंस है स्टिक, तो बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है M1R1 = M2R2, यानी कि जो आपका सेंटर ऑफ मास लग रहा है MG × OQ = MG × OC, यानी कि इस पर यहां पर जो फोर्स लग रहा है और यहां पर की जो वजह से फोर्स लग रहा है दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, है ना, यानी कि दोनों फोर्स इक्वल हैं। तो यहां से कैपिटल एम निकाल लीजिए, ये कट गया, तो M × OC / OQ सब की वैल्यू दी गई है, आप आसानी से निकाल लीजिए। तो एम बराबर आपका दिया हुआ है, एक सिक्के का वजन है 5 ग्राम, तो 2 सिक्के का 10 ग्राम, OQ 45 सेंटीमीटर है। अब 45 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर घटा लीजिए क्योंकि 45 पूरा था, है ना, और 50 में से 45 घटाइए तो ओसी बराबर 5 सेंटीमीटर बच जाएगा आपका। तो एम बराबर वैल्यू रख लीजिए और आसानी से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। तो अगले वीडियो में हम कुछ और सवाल्स को देखेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।